नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। 4 बजे के बुलेटिन में सबसे पहले बात विदाई से ठीक पहले उपराष्ट्रपति के बयान पर मचे घमासान की करेंगे, क्योंकि उपराष्ट्रपति ने अपना पद छोड़ने से पहले कुछ ऐसा कह दिया कि भारत की बुनियादी सभ्यता संस्कृति ही सवालों के घेरे में आ गई। उन्होंने कहा कि भारत में मुसलमान असुरक्षा और डर के माहौल में रह रहे हैं। उनके इस बयान की बीजेपी ने कड़ी निंदा की है। यह आकलन सही है कि देश में मुस्लिम समुदाय में आज डर और असुरक्षा का भाव है। देश के अलग अलग हिस्सों में मुझे ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। भारत का समाज सदियों से बहुलतावादी है, लेकिन सबके लिए स्वीकार्यता का ये माहौल अब खतरे में है। लोगों की भारतीयता पर सवाल खड़े करने की प्रवृत्ति भी बेहद चिंताजनक है। लोगों पर भीड़ के बढ़ते हमले, अंधविश्वास का विरोध करने वालों की हत्याएं और कथित घर वापसी के मामले गिरते भारतीय मूल्यों के उदाहरण हैं। इससे पता चलता है कि कानून व्यवस्था को लागू करने की सरकारी अधिकारियों की क्षमता भी अलग अलग स्तरों पर खत्म हो रही है। न जाने ऐसा क्यों हुआ, लेकिन पद छोड़ते हुए उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने भारत की भारतीयता पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने देश के माहौल में मुसलमानों के लिए खतरा देखा और उस खतरे के साथ भारतीय मूल्यों का पतन भी देख लिया। बीजेपी ने कहा हामिद अंसारी गलत देखते। शीर्ष संवैधानिक पद पर बैठकर कोई व्यक्ति इस प्रकार की बात करे, ये मैं असहमति प्रकट करता हूँ। इस बयान की निंदा भी करता हूँ, क्योंकि 2-4 घटनाओं के आधार पर देश का आकलन करना ये ठीक नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सभी उनसे असहमत ही हैं। कुछ लोग हामिद अंसारी की हाँ में हाँ भी मिलाते हैं। ये तो प्रेरोगेटिव होता है, जब जाते जाते जो भी दिमाग आपके दिमाग में सबसे ऊपर बात है उसको कहना ज़रूरी होता है। और ये सच है कि असुरक्षा की का माहौल पैदा हो गया है मुसलमानों के लिए, क्योंकि आपको सिर्फ नाम चाहिए या पोशाक चाहिए और उसके खिलाफ अफवाह फैला के उसको मार दिया जाता है। गोरक्षकों के कानून हाथ में लेने की कुछ घटनाएं आलोचना के रेडार पर रही हैं। उन्हीं घटनाओं को समय समय पर देश का सवाल बनाया गया है, कभी आमिर खान, कभी शाहरुख, कभी आजम और आज हामिद अंसारी। ये सवाल मर्ज हैं हिंदुस्तानी जिस्म में होने वाले नजला जुकाम की तरह। इनसे जिस्म खतरे में नहीं पड़ता, बस थोड़ी तकलीफ जरूर होती है। हामिद अंसारी भी इन्हें वैसे ही देखते तो बेहतर होता। मौसमी सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। हामिद अंसारी के बयान पर सियासी घमासान छिड़ चुका है। मंत्री से लेकर एनडीए के तमाम धड़े उन पर टूट पड़े। वहीं विपक्ष उपराष्ट्रपति के बयान के साथ खड़ा हो गया। हामिद अंसारी साहब की स्पीच एक स्कॉलरली स्पीच थी और उस पर तनकीद करना ये अनवारंटेड है। और उन्होंने जो कुछ कहा कि मुसलमान, दलित और ईसाइयों का जिक्र किया, तो बिल्कुल सही है। आए दिन जो हमारे मुल्क में वाकयात पेश आ रहे हैं, तो क्या उससे एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी नहीं पैदा हो रही है? अगर कोई ट्रेन में जा रहा है तो उसको बीफ के नाम पर उसको जान से मार दिया जाता है। मैं नहीं जानता कि कौन क्या कहते। भारत जैसा सुरक्षित कोई देश नहीं मिलेगा, भारत जैसा लोगों की अभिव्यक्ति करने का कोई स्थान नहीं मिलेगा। जो जिसको चाहे गाली दे दे, पत्थरबाजों का समर्थन कर दे, आतंक अलगाववादियों का समर्थन कर दे, फिर भी भारतवासी। बयान से सहमत नहीं हूँ। मुसलमान जितना आज सुरक्षित है, इतना कभी सुरक्षित नहीं था। मोदी जब से प्रधानमंत्री बने, पूरे हिंदुस्तान में कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में योगी मुख्यमंत्री बने, कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। तो आज इस प्रकार की बात कहना मुझे लगता है ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, वो लोग सुरक्षित नहीं हैं जो आतंकी हैं, जो आस्तीन के सांप हैं, जो पत्थर फेंकने वाले हैं, बम फेंकने वाले हैं, ऐसे लोगों की खैर नहीं है। जो वक्तव्य जाते जाते दिया जाता है उसको कोई मैं महत्व नहीं देता हूँ। अगर 3 साल पहले से आपको ये महसूस हो रहा था कि इस देश के मुसलमानों में बेचैनी है, तो आप उसी वक्त त्यागपत्र देकर ये बात जनता के सामने, देश के सामने रखनी चाहिए थी, तब आपके वक्तव्य को महत्व मिल। और इससे पहले उपराष्ट्रपति के फेयरवेल भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने हामिद अंसारी के कार्यकाल की तारीफ भी की और अर्थपूर्ण चुटकी भी ली।